सरकारी दवाओं में मानकों का कितना ख्याल रखा जाता है, दवाओं की गुणवत्ता का कितना हिसाब रखा जाता है, इसकी वानगी देखने को मिली नोएडा में, जहां सेक्टर 53 के मदन मोहन मालवीय पब्लिक स्कूल में बच्चों को सरकार की तरफ से पेट के कीड़े मारने की दवा दी गई, जिसे खाते ही अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजनों में इस घटना को लेकर काफी रोष है। देखिए, हम लोग का ये आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस था 10 अगस्त को, और सारे बच्चों को, पूरे यहाँ पे 7 लाख बच्चे हैं, सभी को गोलियाँ खिलाई गई हैं। और ये कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि जितने भी कीड़े वाली दवाई खिलाई जाती है उससे कभी कभी उल्टियाँ हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी कुछ बच्चों को उल्टियाँ हुई हैं। बाकी सब लोगों को, जिन बच्चों को उल्टियाँ हुई हैं उनको देख के अन्य बच्चे भी थोड़ा घबरा गए, और वो लोग भी आ गए, वो लोग आराम से अपने घर चले गए। नहीं, हानि होने की कोई संभावना नहीं है, और ना ही किसी को अभी हानि हुई है, सब लोगों को देख लिया गया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें स्पेशलाइज लोगों ने देख लिया है, और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पेट में दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। मेडिसिन से? किसने मेडिसिन दी? टीचर्स ने। आप कैसी तबीयत थी? ठीक नहीं है, चक्कर से आ रहे। ये पता चला था कि मदन मोहन मालवीय जूनियर हाई स्कूल की झोड़ में कुछ बच्चे बीमार हो गए, कोई दवा खिलाई गई थी, उसके बाद वो बीमार हो गए हैं। उसी सूचना पे यहाँ आए थे, पता चला कि यहाँ कुल 50-55 बच्चे अस्पताल अब तक आ चुके हैं, काफ़ी कुछ जा चुके हैं, 8-10 बच्चे अंदर और हैं जिनका उपचार चल रहा है। एडबिंडाजोल की कीड़े मारने के, पेट के कीड़े मारने की कोई दवा होती है, वो सारे 500 बच्चों को लगभग खिलाई गई थी। विद्यालय प्रबंधन का कहना है एक दो बच्चों को उल्टी हुई, उसके बाद देखा काफ़ी बच्चे अपने को तकलीफ महसूस की थी। सरकार भले ही आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर तमाम दावे करती हो, लेकिन स्कूल की ये घटना साफ बयान करती है कि योगी सरकार इसे लेकर कितना संजीदा है। नोएडा से न्यूज़ के लिए कौशल आलम की रिपोर्ट।